हेलो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर फाइल पर अब आप लोग फेसबुक पर फाइल का आइकन शो करा, जिसके मदद से जो भी आपके जिन्हों फॉलोअर्स होंगे, फैंस होंगे, वह आसानी से आपके फेसबुक रियल अकाउंट पर जा सकते हैं एंड जाने के बाद आपको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे उस सेटिंग को किया जाता है आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं बर्मा टेक। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमारे सामने होम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। चलिए पहले यहाँ पर साउंड को हम लोग यहाँ पर ऑफ कर देंगे, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक करने का खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए हम साउंड को ऑफ कर दिए हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्रोफाइल का आइकन है, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास आपका प्रोफाइल का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस अकाउंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रील्स अपलोड करते रहते हैं। तो आपको वीडियो से लिंक मिल जाएगा, आप लोग जुड़े एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऐड लिंक्स, इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। पहला इसमें ऑप्शन ओपन हो रहा है ऐड एक्सटर्नल लिंक, आप लोग कोई बाहरी लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब का हो गया, ऐप का हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऐड फेसबुक लिंक, यहाँ से आप लोग फेसबुक ऐड को लिंक कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। सॉरी, चलिए हम फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। ऐड एक्सटर्नल लिंक वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको URL जो भी आप ऐप या वीडियो का लिंक कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद टाइटल, अगर यूट्यूब का होगा तो यहाँ पर आप लोग यूट्यूब लिख दीजिएगा, अगर ऐप का होगा तो उस ऐप का नेम या आप लोग ऐप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके प्रोफाइल पर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शो करेगा कि आपने इस वीडियो का या ऐप का जो क्लिक किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जब फेसबुक वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ऐड योर फेसबुक प्रोफाइल टू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपको जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल से लिंक किया जा रहा है आपको फेसबुक प्रोफाइल को। तो यहाँ पर चलिए हम ऐड प्रोफाइल लिंक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको बायो में ऐड कर दिया गया है फेसबुक प्रोफाइल को। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर शो भी कर रहा है कि आपने इस प्रोफाइल को अपने लिंक किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। इस वाला ऑप्शन पर अगर रिमूव करना चाह रहे हैं इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिमूव फ्रॉम बायो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर रिमूव कर सकते हैं। चलिए हम रिमूव नहीं करना है, ऐड करना है हमें। तो यहाँ से ऐड हो गया है, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, यहाँ पर हम डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश कीजिएगा अपने डैशबोर्ड को। तो यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से लिंक हो गया है एंड कोई भी यहाँ पर यूजर इस पर क्लिक कर आपके फेसबुक प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक कर आसानी से आपके फेसबुक रियल अकाउंट पर जा सकते हैं एंड जाने के बाद आपको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकता है। तो ये एक बढ़िया ट्रिक है। तो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।